तमिलनाडु के कुनूर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 अधिकारियों की हेलीकॉप्टर क्रॉश में मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरा देश शोक में डूबा है। हर कोई सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है। नरकटियागंज में भी शहीद चौक पर बजरंग दल ने 2 मिनट मौन धारण कर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। वहीं सुनील गोयल ने बताया कि 8 दिसंबर का दिन पूरे देश का एक काला दिन था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, जो हमारे देश की अपूर्ण क्षति हुई है। साथ ही बजरंगियों द्वारा महामृत्युंजय का पाठ पढ़कर घायल कैप्टन वरुण की स्वस्थ होने की कामना की।